कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न में क्या डिफरेंस है? ऐसे नहीं है, देखो यू आर अ फ्यूचर टीचर, यू शुड बी प्रोवाइड अ राइट आंसर, तुक्केबाजी नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? अगर तुक्केबाजी करेंगे तो गलत कंसेप्ट होगा। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जिसके आप आई विटनेस हो, ठीक है? हिस्ट्री को तीन पार्ट में करते हैं, एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। मॉडर्न पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट से होता है, जैसे मान लो इंडियन हिस्ट्री को लेते हो तो 1757 से या बैटल ऑफ प्लासी से आपको मॉडर्न हिस्ट्री मानी जाती है। लेकिन कंटेम्प्रेरी का कोई फिक्स नहीं है। कंटेम्प्रेरी का मतलब जिसका आई विटनेस हो। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? 1935 to 1945 कोई ना कोई वर्ल्ड में ऐसा बंदा होगा जब भी जीवित होगा, ठीक है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ कर सकते हो या इंडियन फ्रीडम कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन करते हो, जिसका आई विटनेस है आप उसको कंटेम्प्रेरी का पार्ट बोलते हो। लाइव टीवी शो पर देखते कंटेम्प्रेरी डांस, लोग कंटेम्प्रेरी डांस तो देखते हैं उसका मतलब नहीं पता होता, जैसे आपने बताया कि जो बहुत पहले का है, ऐसे नहीं है। कंटेम्प्रेरी का मतलब जो आई विटनेस है, एक पर्टिकुलर जिसके भी आपको आई विटनेस में। एटम बम कब ड्रॉप हुआ? 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पे, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं कंटेम्प्रेरी के पार्ट हैं। यूएनओ कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है? ये जो डेट्स हैं आपको ये, हाँ ये जो सारे जो डेट्स हैं, ये सारे जो आपको कंटेम्प्रेरी के पार्ट हैं। और कोई भी पर्टिकुलर डेट ले लो जहां से कुछ चलता रहता है, जिसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में जो डिविजन्स हैं उसमें, इस बुक्स में आपको सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के या एडुकेशन के अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे डेट्स आपको अवेलेबल होंगे। आपको जितने भी एग्जाम्स होते हैं या जो भी चीजें होती हैं, इस बुक्स के डेटा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एडुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एडुकेशन। आपके जो पेपर होते हैं, पेपर में आपके जो पेपर होते हैं, पेपर्स में आपके यूनिट वाइज पेपर होते हैं। जैसे मान लो कोई भी पेपर, पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी ले लो, पेपर 2 में जितने भी होंगे सेक्शन वाइज पेपर होंगे, ठीक है? सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, सेक्शन 4 में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और सेक्शन 5 में क्वेश्चन नंबर 9, 10। जो पेपर होता है किसी भी पेपर में फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है? बाकी जो दूसरे सेक्शन से कोई भी आपको एक क्वेश्चन टच करना ही पड़ेगा। जो आप बीएड का एग्जाम दोगे पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा कंपलसरी, ठीक है? सेक्शन 1 से क्वेश्चन 1, हंसी क्यों आ रही है आप सबको? कोई मैं जोक सुना रहा हूं आपको या फिर आपको सब कुछ आता ही होगा? और आपको प्रॉब्लम तो आप जा सकते हो, तो अगर पेपर जो पढ़ने के तरीके होते हैं इसमें, अगर जो क्वेश्चन 1 के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली यूनिट वाइज ये डिवीजन होता है। जैसे मान लो आपकी बुक में टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो सेक्शन 1 यूनिट 1 से कंसर्न है, सेक्शन 2 यूनिट 2 से, इस तरह से डिवाइडेड होते हैं, ठीक है? इस तरह से आप पेपर कर सकते हो। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट द रिलेशन विद द एडुकेशन, ठीक है? एडुकेशन में 2 तरह की चीजें हैं, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल राइट्स है। एंड फंडामेंटल राइट्स बता सकते हैं क्या डिफरेंट है दोनों में? द
डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स बता रहा हूँ, आप सुनो आपको समझ में आ जाएगा। ऑफ इंडिया, बोलो। मैं आपको नोट्स बताऊंगा कैसे बनाने हैं, अभी आप पढ़ाई करो नोट्स के लिए, टॉपिक वाइज अभी टॉपिक शुरू हो रहे हैं, मैं बताऊंगा कैसे नोट्स बनाने हैं, और लास्ट में पेपर वाइज सारे सब्जेक्ट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे जिनके पेपर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी आपने केवल नॉलेज के लिए पढ़ना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के तरीके को चेंज करेंगे बाद में। जो फंडामेंटल राइट्स होता है सिटीजन्स को गिवन से उनके डेवलपमेंट के लिए, जबकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल होती है जो गवर्नमेंट्स के लिए पॉलिसी मेकिंग होती है, जैसे राइट टू एजुकेशन पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट की ड्यूटीज बनती है कि राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करे, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि गवर्नमेंट को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करना है। फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है जो आपके पास फैसिलिटीज जो चीजें अवेलेबल है। मान लो किसी कंट्री के साथ वॉर चल रही हो, इस केस में आप जाकर बोले कि भाई मुझे एजुकेशन प्रोवाइड करो या हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करो, तो पॉसिबल नहीं होता। तो डायरेक्टिव हाफ 5 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जितने भी गवर्नमेंट आती है सबकी पॉलिसीज अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग होती है, इस केस में कंट्री को कैसे गवर्न किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे कंट्री की जो गवर्नमेंट है कॉन्टिन्यूस चलती है, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निदेशक तत्व, ठीक है, जिसके बेस पे पूरे कंट्री का रूल होता है। देखो मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन डॉक्यूमेंट है, पेपर वाइज चलते हैं जिस मेन चीजें पे आएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटेन है, जिसमें पूरे लॉ एंड ऑर्डर कंट्री कैसे गवर्न होंगी इन सारी चीजों को लिखा हुआ है। आगे देखो रिलेशन विथ एजुकेशन, उसी पेज पर एजुकेशन से क्या रिलेशन है, और इंडियन पेज नंबर 1 फर्स्ट रिलेशन विद एजुकेशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ ग्रेट रिलेशन विद द एजुकेशन फील्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एजुकेशनल फंडामेंटल ऑफ गवर्नमेंट वेरियस लेवल मींस इक्वल राइट टू एवरीवन हु इज रेसिडिंग इन इंडिया। जितने भी पर्सन हैं पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर पहले अलग होता था, अब सब इंक्लूड, सबको इक्वल राइट है। आप इंडिया में कहीं से आवाज तो नहीं आ रही आपको, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं सब इक्वल हैं, सबको इक्वल राइट है, सबको इक्वल एजुकेशन का राइट है। अकॉर्डिंग टू द रिलेटिंग टू एजुकेशन 2002 द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 21 ए गिवन राइट टू एजुकेशन, द स्टेट शैल प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आर्टिकल 45 में जितने भी लोग हैं 6 to 14 years तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, बच्चे हैं उनको आपको स्कूल भेजना ही है, ये पेरेंट्स की ड्यूटीज है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको 6 to 14 years तक कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। राइट टू एजुकेशन द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6 to 14 years एज 6 to 14 years इन सच मैनर दैट द स्टेट मे बी लॉ डिटरमाइंड, जैसे भी रूल्स रेगुलेशन बने हैं उसके बेस पे देना पड़ेगा। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो ऑफ एज ऑफ 6 years, जो 6 साल से बच्चे कम के बच्चे हैं उनको केयर प्रोवाइड करना पेरेंट्स की और गवर्नमेंट की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 45 पे मेंशन है द स्टेट शैल एंडेवर द प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 years, 6 साल तक के बच्चों को सबको कंपल्सरी एजुकेशन है। आर्टिकल 51 देखिए, आर्टिकल 51 के फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल जैसे गवर्नमेंट की ओर से आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, सिटीजन्स की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं जिन्हें परफॉर्म करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 ए में है सारी चीजें। फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज द पेरेंट्स ऑफ गार्डियन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हैज चाइल्ड एज मे केस बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years। गवर्नमेंट से हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, तो आर्टिकल 51 में है जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को जो 6 to 14 years तक उनको कंपल्सरी स्कूल भेजे, ठीक है।
तभी उनकी डेवलपमेंट हो सकती है. अंडर दिस गाइडेंस गाइडलाइंस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन 1964-66 14 जुलाई 1964 को कोठारी कमीशन बनाया गया जो यूजीसी के चेयरमैन थे. ठीक है. द कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर द एडवाइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड जनरल पॉलिसी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट स्टेट लेवल. द कंसिस्ट द प्रोफेसर डी एस कोठारी. काफी इंपॉर्टेंट नाम है एजुकेशन में. कोठारी कमीशन एजुकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हर पेपर में पूछा जाता है. चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड एक्स प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स दिल्ली टू मिस्टर जेपी नायक. एडवाइजरी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन. तीसरे जो थे कमीशन कंसिस्ट द 16 मेंबर्स 11 इंडियन एंड 5 फॉरनर्स. इस तरह से कमीशन बने थे जिसने इंडियन एजुकेशन को डेवलपमेंट के लिए काम किया. दिस कमीशन डील्स विद द जनरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन reorientation of the education, national objective, improvement of the teachers, equalization of education opportunity, enrollment policy, administration, problems of higher education. ठीक है. जो कमीशन बनी थी 1964 में कोठारी कमीशन, इसने कुछ क्या कुछ नहीं, इसको कई बार चेंजेज हुए. आगे पढ़ो. नहीं नहीं आर्टिकल 51 के अंदर ये सारे प्रोविजंस थे एजुकेशन के लिए भी जो कोठारी कमीशन बना था. ठीक है. द रिपोर्ट डिवाइडेड द प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इन द 3 कैटेगरी. फर्स्टली ध्यान देना, रिलेटिंग टू द एजुकेशन सिस्टम ऑफ लाइफ नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द नेशन. जो एजुकेशन के कई सारे जो भी एजुकेशन होते हैं आप पढ़ोगे थर्ड बुक में, उसके दो मोटिव होते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. जनरल ऑब्जेक्टिव होता है आपको लेसन लर्न करवाना. जैसे मान लो कोई पोएम पढ़ रहे हो, कोई सम्स पढ़ रहे हो, कोई लेसन पढ़ रहे हो, उसका दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक जो है आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स है उस लेसन के उस कॉन्सेप्ट को उसका मतलब को समझना. दूसरा होता है करियर बिल्डिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट. आप जैसे मान लो अभी ग्रेजुएशन पीजी करके आप बीएड में आए हो, आपसे कोई पूछे थर्ड फोर्थ में सेवेंथ में नाइन्थ टेंथ में आपने कौन सी पोएम पढ़ी, किसी को याद नहीं होगा. लेकिन डे टू डे जो हमारी जो डेवलपमेंट होती है एजुकेशन के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कंट्री वास्तव में लोगों से चाहती क्या है, फ्यूचर्स में बंदे कैसे बने. तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. जनरल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है नॉलेज प्रोवाइड करना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब फ्यूचर के लिए बंदों को तैयार करना. पढ़े लिखे लोग कास्टिज्म पे रिलीजन पे इन छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ते, उनके पास उनकी सोच बड़ी हो जाती है. तो जो एजुकेशन के लेसन पढ़ाना दूसरी बात है, लेकिन इसके पीछे गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो एनसीईआरटी है या यूजीसी है जो भी बॉडीज है एजुकेशन से रिलेटेड वो वास्तव में चाहती क्या है. तो इसके बेस पे कोठारी कमीशन ने बताया रिपोर्ट के बेस पे रिलेटेड जो एजुकेशन हो लाइफ से रिलेटेड हो कि आप अपनी लाइफ को कैसे लीड कर सकते हो. पैसे होने से आप लाइफ लीड नहीं कर सकते, लाइफ लीड करने के और तरीके होते हैं, यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा. ठीक है. रिलेटिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ लाइफ नीड एन एस्पिरेशन ऑफ द नेशन. सेकेंडली क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन एज अचीविंग द एडुकेट स्टैंडर्ड्स. लोगों को स्टैंडर्ड्स हो इसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है कि आप केवल पढ़ लिख लो. आज की जो एजुकेशन कुछ ऐसी हो ताकि आप अपने लाइफ को स्टैंडर्ड के तरीके से लीड कर सके. थर्डली एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द बेसिस ऑफ मैन पावर नीड एंड इक्वलाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम. मैन पावर को फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है, अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे प्रोफेसर चाहिए, कंट्री के लिए डेडिकेटेड पर्सन चाहिए. ये सारी चीजें एजुकेशन की थिंकिंग होती है. जो सियाचिन में जो सोल्जर्स होते हैं जहाँ माइनस का टेम्परेचर होता है वो पैसों के लिए थोड़ी काम करते हैं. मान लो किसी को 60-70 हजार सैलरी है, वो तो कहीं भी कमाता है. जो उनकी जो थिंकिंग डेवलप होती है वो कंट्री के लिए कुछ करना, ये एजुकेशन के बेस के मॉरलिटी डेवलपमेंट होती है, ये भी काम एजुकेशन करता है. आप सोचो कोई पैसों के लिए अपनी जान तो नहीं दे सकता. जो कंट्री पे जो सोल्जर्स होते हैं सियाचिन में लेह लद्दाख में जहां -50 -40 टेम्परेचर है, कोई भी बंदा वहां पैसों के लिए नहीं जाता.
वहां लोग जाते हैं अपने कंट्री के लिए डेडिकेशन के लिए, और ये चीजें जो डेवलप होती है एजुकेशन के लिए, ये एजुकेशन का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। जनरल ऑब्जेक्टिव है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री पढ़ाना, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर के लिए बिल्ड करना। तो इस तरह के आपको एजुकेशन की कोठारी कमीशन ने बताया, इन बातों पे एजुकेशन को हम बिल्ड कर सकते हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड होंगे। इनफैक्ट कोठारी कमीशन हैज आइडेंटिफाइड द 4 M ऑफ एजुकेशन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, तभी कंट्री की डेवलपमेंट होगी, कंट्री की GDP बढ़ाना, कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ाना। ठीक है, दूसरा है आपको टू अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जो जाति धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, कास्टिज्म के नाम पे जो दंगे होते हैं उनको कंट्रोल कर, लोगों की थिंकिंग, जैसे जैसे आप बैठे हो यहाँ पर, आप पढ़े लिखोगे, आपको पता ही नहीं कि आपके साथ में कौन से बंदा बैठा हुआ, आपको इस बात से मतलब ही नहीं होता, आप ही नहीं सोचते कौन से कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, बस में होते हैं, मेट्रो में होते हैं, मूवी हॉल में होते हैं, आपकी थिंकिंग ऐसी नहीं होती। लेकिन अगर कोई विलेज से बिलोंग करता है जो लेस एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके सामने सबसे पहली बात है कि जो सामने वाला बैठा हुआ कौन है, उसके कास्ट को, उसके रिलीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। जो ये जो सारी चीजें जो चेंज होती है ड्यू टू एजुकेशन, पैसे से किसी के कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते, और किसी को वास्तव में इम्प्रूव करना है तो एजुकेशन से हो सकता है। तो कंट्री पहले बोले कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़े, GDP बढ़े, कंट्री की इनकम बढ़े, दूसरा सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण, लोगों के अंदर एक सोच हो, वननेस की फीलिंग हो, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे इंडियन, यहाँ पर आप बोल सकते हो कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई साउथ इंडियन है, लेकिन आउट ऑफ इंडियन एवरीवन इंडियन। ठीक है, इस तरह से थिंकिंग डेवलपमेंट होती है। टू एक्सलेट द प्रोसेस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, कंट्री को मॉडर्नाइजेशन करना, लोगों को मॉडर्न बनाना, टेक्नोलॉजी से फेमिलियर कराना, आगे डेवलपमेंट का इन सारी चीजें थी। तो कैमुलेट द सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, अक्सर क्या होता है जानते हो, ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में क्यों रूल किया, क्योंकि हम उनके कंपेयर में अपने आप को इंफीरियर मानते थे। 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो एक साथ ब्रिटिशर थे, दूसरे साथ सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला के पास 50,000 सोल्जर्स थे और ब्रिटिशर्स के पास 3,000 सोल्जर्स थे, और 3,000 सोल्जर्स ने 50,000 सोल्जर्स को हरा दिया। पता है क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सोल्जर्स थे इनके पास यूनिटी नहीं थे, सबके सब बिकाऊ थे, उनके पास कोई मॉरल सीन नहीं थी जो उसमें यूनिटी हो, किसी को कुछ नाम पर तोड़ दिया, किसी को कुछ नाम पर भड़का दिया, सारे अलग अलग जितने भी आर्मी हेड होते थे सबको ब्रिटिशर्स ने कोई लालच देकर उनको खरीद रखा था। जब लड़ाई शुरू हुई प्लासी के मैदान में, तो आमने जो सिराजुद्दौला के पास जो स्पेसिक सोल्जर थे, थोड़े बहुत उन्होंने फाइटिंग की, बाकी सोल्जर ने लड़ने से शुरू किया। सिराजुद्दौला देखा कि ये तो कोई लड़ी नहीं रहा, तो लड़ाई से मैदान से भागना शुरू किया। जैसे उसने भागना शुरू किया, उसका भांजा था, भतीजा मीर कासिम, उसी ने पकड़ के उसको मार दिया। तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी हुई डिवाइड एंड रूल, उन्होंने पूरे इंडिया को एक साथ नहीं जीता, पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, अवध, मराठा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में कीप क्वाइट, अगर स्टार्टिंग में सारी यूनाइटेड होते, सब एकजुट होते, तो ये कंडीशन तो नहीं होती। तो एजुकेशन के द्वारा वननेस की फीलिंग को डेवलप कर सकते हो। तो जो भी एजुकेशन सिस्टम है, इनका मेन मोटिव है इंटीग्रेशन को डेवलपमेंट करना, जो बेसिक प्रॉब्लम कास्टिज्म, रिलीजन, इन सारी चीजों को हटाना। आगे देखो, फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एजुकेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी टू सिक्योर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपल्सरी है, इसके बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। द एक्सपेंशन ऑफ द एजुकेशन लेड टू द इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम एंड देयर बाय द रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल। इनकम बढ़ेगी तभी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। द कमीशन रिकमेंडेड द फॉलोइंग प्रोग्राम टू लिंक द एजुकेशन विद द प्रोडक्टिविटी। साइंस एंड एजुकेशन, साइंस बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना। सिंस द एजुकेशन शुड बी बिकम द इंटरजल पार्ट ऑफ द स्कूल, एजुकेशन इज द मॉडर्न सोसाइटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड बेस्ड ऑन साइंस, साइंस के बेस पे एजुकेशन हो।
दूसरा है वोकेशनलाइजेशन व्यवसायिक शिक्षा। जैसे मान लो पर ईयर बहुत सारे लोग हो जाते हैं और गवर्नमेंट जो है सबको जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती है। पर ईयर 5 करोड़ लोग जॉब के लिए तैयार हुए, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस 1 करोड़ के हैं, बाकी 4 करोड़ लोग तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट हुए, नेक्स्ट ईयर सेम प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो गवर्नमेंट ने अपने स्कूल सिस्टम्स में वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया कि आफ्टर एजुकेशन कोई एमलेस ना हो, कोई ना कोई जॉब करके कोई ना कोई काम करके अपना काम चला सके। आप सब इतने सारे लोग बैठे हो, मुश्किल से एक या दो बच्चों को प्री फिक्स होगा कि हमने बीएड करना है। आपने बीकॉम किया, बीएससी की, बीटेक किया, कुछ नहीं समझ, चलो बीएड कर लेते हैं। 99% किसी का, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ी सी एमलेस है, उद्देश्यहीन है, हमें पता ही नहीं चलता करना क्या है। आफ्टर डिसाइडेड हमने छोड़कर सब कुछ करके हमने ये कर लिया, बीएड कर लेते। तो गवर्नमेंट इस तरीके में काम करती है और गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती। आप सोचो कि इस ईयर में 18 से 19 के सेशन में 7 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं डिफरेंट सेक्टर से, जो इकोनॉमी का रिसेशन है। 7 करोड़ लोग जो जॉब करते थे जॉबलेस हुए हैं और कंट्री की जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब समझते हो? मतलब इंडियन पीपल एम्प्लॉयड नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है। हाउ कैन इट विल बी पॉसिबल? आपके इंडिया में मोर देन 2900 मल्टीनेशनल कंपनी काम करती हैं और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी काम करती हैं, सबसे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, दूसरी चीजें मिलती है, तो गवर्नमेंट की जीडीपी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंडियन सर्विस सेक्टर्स वाले हैं, उनकी तो ग्रोथ नहीं हो रही। इस तरह के ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। कंट्री की इनकम बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्टेबल है, वर्ल्ड में आपकी आइडेंटिटी है आज की डेट में, इंडियन को लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन ग्रोथ जो है जॉबलेस ग्रोथ है। 99% एजुकेशन जो है एमलेस है। आजकल अभी जो 11 12th की स्कूल है इनमें एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी करवाई जा रही है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, बल्कि जो फीमेल गर्ल्स को उनको 1000 कुछ स्कॉलरशिप दे रहा है कि भाई, और आपने FM पे भी TV पे भी एड देखा होगा सुनते कि भाई अगर कोई आप सक्सेस बिजनेसमैन है, सक्सेस इंडस्ट्रीस्ट हो, तो आप आसपास के स्कूल में जाकर अपने साथ उनके अपने व्यूज को शेयर करो, ताकि गवर्नमेंट सबको रोजगार दे ही नहीं सकती। वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना जरूर है लेकिन पॉपुलेशन का जो प्रेशर चाइना पे कम है, इंडिया पे ज्यादा है। उसके पास वर्ल्ड का 6.4% लैंड है और पॉपुलेशन 18% है, और हमारे पास जो है वर्ल्ड का 2.4% लैंड है और पॉपुलेशन 16% है। उसके पास 6% लैंड है और 18% पॉपुलेशन है, हमारे पास 2% लैंड है, 16% पॉपुलेशन है। प्रेशर किसके ऊपर हुआ? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में ज्यादा बंदे रहते हैं, चाइना में कम रहते हैं। तो इस केस पे सबको जॉब नहीं दिया जा सकता, तो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी कोशिश होती है कि सबको हम प्रॉपर जॉब प्रोवाइड करें। देखो दूसरा है वर्क एक्सपीरियंस, साइंस एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एजुकेशन शुड बी द इंट्रोड्यूस एंड द इंटरनल पार्ट ऑफ एजुकेशन। It provides the work experience. Every attempt should be made for the link program of technology, industrialization and application of science and technology. सारी चीजों को education से जोड़ने की कोशिश, science से जोड़ने की कोशिश। आप मान लो टीचर बन रहे हो, आपको SST पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है, दूसरे सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाने हैं, इंग्लिश पढ़ाना है, फिर भी यू शुड बी मस्ट बी फेमिलियर विथ कंप्यूटर। आज जितने भी वैकेंसी आती है टीचर्स की किसी में, तो फर्स्ट कंडीशन है मस्ट बी फेमिलियर विद कंप्यूटर्स, मतलब टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होना चाहिए। आपको बच्चों को PPT बनाकर दिखाना है, कुछ और करना है, और फेमिलियर हो गए तभी तो कर पाएंगे। आगे देखो एजुकेशन, थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन इज द क्रूशियल ऑफ द क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड कंट्री, विच इज द एसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ ऑल प्रोग्रेस। पूरे कंडीशन की प्रोग्रेस के पहली कंपल्सरी कंडीशन है कि पीपल शुड बी यूनाइटेड। अलग अलग डिवाइडेड होंगे तो कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। द कमीशन रिकमेंडेड द फॉलोइंग अचीव द सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन।
पर प्रॉपर लैंग्वेज पॉलिसी, आप एजुकेशन में तीन लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ोगे, ठीक है। जैसे पहला है, पहली जो बेसिक लैंग्वेज एजुकेशन होती है वो मदर टंग में होनी चाहिए, ठीक है। मदर टंग में कुछ भी सीखना आसान होता है, ठीक है। तो जो स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट ने थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में सबसे पहली पॉलिसी है कि फर्स्ट जो लैंग्वेज हो, बेसिक जो लैंग्वेज हो मदर टंग में हो, सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश है, और थर्ड लैंग्वेज के तौर पे कोई लैंग्वेज सीखना चाहते तो आप सीख सकते हो। ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, मतलब सारे लोगों को अगर इस तरह से एजुकेशन में लैंग्वेज को करोगे तो इंटीग्रेशन को प्रमोट होगा, सोशलाइजेशन होगा, एक लैंग्वेज के लोग आपस में दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। देखो, द मदर टंग इज द प्रोमिनेंट क्लेम फॉर द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल एंड कॉलेज स्टेजेज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट शुड बी कंटिन्यू द इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन फॉर द टाइम बींग, एक पर्टिकुलर टाइम बींग तक। जानते हो इंग्लिश उन्हीं कंट्री में बोली जाती है जो कंट्री किसी ना किसी टाइम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं, दूसरे किसी कंट्री में नहीं बोली जाती। जापान के लोग को जैपनीज बोलना है, दूसरे चाइना को चाइनीज बोलना है, किसी भी कंट्री के नाम लो, अमेरिकन को अमेरिकन बोलना है, उन्हीं कंट्री में इंग्लिश पॉपुलर है जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे। आप देखो जो यूएनओ के जो असेंबलीज होती हैं, अलग अलग अपनी लैंग्वेज में सारी स्पीच देते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, अपनी नई लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कोशिश करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिंदी को मेन लैंग्वेज किया गया, तो साउथ इंडिया के लोगों ने इसको अपोज किया, तो बोले कि मतलब मेन लैंग्वेज इंग्लिश तब तक रहेगी जब तक हिंदी को आप प्रमोट नहीं कर सकते। मीडियम आप जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है जो ऑफिस के लेवल में इंग्लिश को यूज तब तक करोगे जब तक ये डेवलपमेंट नहीं हो सकती। आगे देखो, प्रमोटिंग नेशनल कॉन्शियसनेस इट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल सिस्टम, इट शुड बी द डेवलप द थ्रू द प्रमोशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द इवेल्युएशन ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज एंड सर्टेन स्ट्रॉन्ग फेथ ऑफ द फ्यूचर। अपने कल्चर अपने कंट्री को इम्पोर्टेंस बताना, जब राजा राम मोहन राय जब नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करना था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विवेकानंद इन सब ने ये बताया कि अपना हेरिटेज अपना कल्चर ब्रिटिशर से किसी भी मामले में इन्फीरियर नहीं है। 1914 तक ब्रिटिशर्स को हराना मुश्किल था, 1910 में जापान ने इंग्लैंड को हरा दिया, जापान एक आइलैंड टाइप की छोटी कंट्री है, तब लोगों को लगा कि उनको हराना मतलब मुश्किल नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए आर्य समाज ब्रह्म समाज इन सब ने अपनी सोसाइटी को अपने कल्चर को प्रमोट किया, नहीं तो अक्सर क्या होता है हम बेवजह अपने आप को दूसरे से इन्फीरियर मानते हैं। तो इस सारे कंप्लीट करने की कोशिश गई। इम्फेसिस ऑन द कॉमन स्कूल, सच स्कूल शुड बी ओपन ऑल चिल्ड्रन रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट कम्युनिटी रिलीजन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सोशल स्टेटस एवरी नो ट्यूशन विल बी फी विल चार्जेज। जितने भी स्कूल्स हैं कोई भी किसी रिलीजन के बेस पे स्कूल नहीं होंगे, सारे स्कूल सबके लिए इक्वल होंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई भी स्टूडेंट कोई भी कम्युनिटी का पढ़ सकता है, अलग से सेपरेट स्कूल की बात नहीं होगी। सोशल एंड नेशनल सर्विसेज इट शुड बी मेड द ऑब्लिगेटरी फॉर द ऑल द स्टूडेंट एज द बिल्ड द कैरेक्टर इंप्रूव द डिसिप्लिन डेवलपमेंट सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट मॉरल वैल्यूज लेबर्स एंड सोशल कंपास शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन। Education for the modernization, we see the day by day the modernization is the separating the first for the accelerating the process of modernization. The commission suggests the following steps. Education must be oriented, accelerate the process of modernization. Education ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों को modernization कर सके। बहुत सारे ऐसे education जैसे मानो engineering करनी है, medical करना है, आप तभी कर सकते हो जब modernize हो, आप उसके system से familiar हो। बहुत सारी चीजों के लिए हिंदी लैंग्वेज में कोई वर्ड ही नहीं है, जैसे मान लो एक्सरे बोल लो, हिंदी की लैंग्वेज में कोई उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। एक्सरे हिंदी में कोई वर्ड है, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। तो एजुकेशन शुड बी मॉडर्नाइज ताकि लोग अच्छी तरह से अपनी लाइफ को लीड कर सके। दूसरा, चेंज द मेथड ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। जो बीएड करते हैं, बीएड करने में ये टीचिंग प्रोग्राम है, आपने ग्रेजुएशन किया या फिर कोई पीजी किया उसके बेस पे पढ़ा सकते हो, लेकिन ये जो बीएड जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हाउ टू टीच सब्जेक्ट कैसे डिलीवर करें कि स्टूडेंट के कांटेक्ट में हो जाए,
कभी कभी क्या होता है हम बहुत ऊपर बोल जाते हैं स्टूडेंट के लेवल से, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत नीचे बोल जाते हैं। तो एक प्रॉपर साइकोलॉजी को समझ के बच्चों को पढ़ाना, जैसे आप जितने भी सब्जेक्ट आपने, जैसे टीचिंग ऑफ मैथ्स है, साइंस लेते हो, आपने किसी भी सब्जेक्ट में आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, पहले भी बहुत बातें डिस्कस हुई, जैसे कोई भी आपने सब्जेक्ट लिया टीचिंग का, उसमें आपको मेथड ऑफ टीचिंग, जैसे आपने टीचिंग ऑफ मैथ्स ले लिया, टीचिंग ऑफ इंग्लिश या टीचिंग ऑफ कॉमर्स, हाउ टू टीच दिस सब्जेक्ट, आप उस सब्जेक्ट को कैसे डिलीवर करो कि बच्चों के साथ इक्वल बेस पे उसको अच्छी तरह से लर्न हो सके, मेथड ऑफ टीचिंग। तो इस तरह से मेथड ऑफ टीचिंग से ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, टीचर्स को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करना, क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंसिया एंड एडुकेट साइज ऑफ द कॉम्पिटेंस, लोग इंटेलिजेंस हो, अपने आईक्यू को लगा सके, ठीक है, इस तरह से एजुकेशन को डेवलपमेंट करना, एजुकेशन एंड सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, वी नो दैट द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन डजंट बी एम्फेसिस ऑन द कैरेक्टर फॉर्मेशन, मोरल एजुकेशन कंपल्सरी होता है, जितने भी स्कूल्स हैं हम पढ़ते लिखते तो जाते हैं लेकिन हमारे अंदर मोरल कैरेक्टर बिल्डिंग की कम होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कम होने लगा है, एक दूसरे से हम अपने आप को इंडिविजुअल होने लगते हैं, ज्वाइंट फैमिली कम होती रही है। तो गवर्नमेंट की एक कोशिश होती है, एजुकेशन सिस्टम की एक कोशिश होती है कि अपनी चीजों को हम समझें, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए मतलब मोरल वैल्यूज को, मोरल एजुकेशन को स्कूलों में कंपलसरी करके रखा है। वे नो दैट द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन डजंट बी फेसिंग द कैरेक्टर फॉर्मेशन, इट इज अ ग्रेट कल्टिवेट सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज वैल्यू अमॉन्ग द स्टूडेंट, द कमीशन मेड विद द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट सर्टेन मेजर्स इंट्रोड्यूस द एजुकेशन इन मोरल सोशल एंड स्पिरिचुअल, जो तीन तरह की लिस्ट होती है एजुकेशन के लिए, सेंट्रल, तीन तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाती है, लेकिन करंट कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाती है। एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया ताकि पूरे इंडिया में एक तरह के एजुकेशन सिस्टम हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, कोई भी स्टेट हो, एक तरह की एजुकेशन इक्वालिटी हो। जैसे मान लो आप जॉब लग के आपको नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया के किसी स्टेट में जॉब लग जाती है तो आप वहां पर जॉब कर सको, ये तब पॉसिबल है जब एजुकेशन में इक्वालिटी हो, एक तरह के एजुकेशन सबको, लैंग्वेज डिफर होना डिफरेंट बात है लेकिन एजुकेशन का बेस सबको इक्वल जैसे होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई अब्रॉड से कोई ग्रेजुएशन करके आता है तो यहाँ पर आकर ग्रेजुएशन में उसका एडमिशन नहीं मिलता, आप जाते हो यूजीसी के ऑफिस में, यूजीसी आपको कंसीडर करता है कि आपका वहां का एजुकेशन यहाँ के कौन से स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है। जैसे आपने वहां से ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में करके आए हो, यहाँ पर आकर आपको ट्वेल्थ में एडमिशन होगा। तो इंडिया में मतलब पूरे इंडिया में एजुकेशन की यूनिफॉर्मिटी के लिए इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा है, मतलब मेजरिंग बॉडी है, गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इंप्लीमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा ताकि हर जैसे 10+2+3 का एजुकेशन सिस्टम होता है। पूरे इंडिया में आज के डेट में ये एजुकेशन 10+2+3, 10th हो गया, 12th हो गए और 3 इयर्स ग्रेजुएशन के लिए इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं। Sometimes the period should be the part of the timetable of the education. This value based on the all changes. Commission also recommended the new system of every field of education like curriculum, method of teaching, textbook, teaching education, examination, evaluation. इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, खत्म होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट अ रिलेशन विद एजुकेशन। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कैसे कैसे प्रोविजंस हैं, बिल्कुल आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे तभी होंगे, ठीक। हाँ जी, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एजुकेशन, इट प्रोवाइड्स द फ्री एज द
attendance of religious instruction, religion, worship of education institution, article 28 है. अलग अलग या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन कौन से आर्टिकल में कौन सा पार्ट है. इट प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 29 है. एक्सेप्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन, आर्टिकल 30 है. इस तरह से कि एजुकेशन के अलग अलग आर्टिकल्स हैं जिसमें अलग अलग एजुकेशन के कंडीशन दे रखे हैं. आपके जो पेपर्स होंगे, पेपर में तीन तरह के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्कर, 8 मार्कर्स और 16 मार्कर्स.